पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। आज हम गौरा जी से लिखी हुई अपनी आत्मकथा हम नास्तिक कैसे हुए इस पुस्तक के दूसरे अध्याय ज्ञान की प्यास को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अध्याय 2 ज्ञान की प्यास। मैं ईसाई बन जाऊँ, इस प्रस्ताव ने मेरी अप्रत्यक्ष मदद की। मैं हिंदू धर्म के रीति रिवाजों पर चलता था और अपने माता पिता की आदतों को ग्रहण किए हुए था, क्योंकि बचपन से मुझे इन्हीं सब की ट्रेनिंग दी गई थी। हम अपनी मातृभाषा की ही तरह अपने माता पिता या अभिभावकों की आदतों व आचरण को बिना किसी जांच पड़ताल के यथावत ग्रहण कर लेते हैं। धार्मिक विश्वासों के विषय में ही हम अपने माता पिता के धर्म से चिपके रहने तथा दूसरे धर्म से अलग रहने की ट्रेनिंग बचपन में ही दे दी जाती है। मानव मस्तिष्क की यह गुलामी ही धर्म युद्धों व जिहादों का कारण रही है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया इससे कुछ भिन्न थी। ईसाई बनने के प्रस्ताव की अस्वीकृति ने मेरे मन में एक प्रश्न श्रृंखला खड़ी कर दी। हिंदू धर्म क्या है, ईसाइत क्या है, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, अन्य धर्म क्या हैं, उनकी एक दूसरे से तुलना क्या है। अपने अंदर के इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मैंने अंग्रेजी व तेलुगु भाषा में अनुवादित बाइबिल, भगवद्गीता, कुरान, वेद, उपनिषद व अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। मैंने माइक स्मुलर के सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट के पुस्तक खंडों को भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मैं अक्सर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के ईश्वर, आत्मा, मुक्ति, पुनर्जन्म, आध्यात्मिकता व परलोक के संदर्भ पृष्ठों को उलट पुलट करता रहता। विज्ञान का छात्र होने के कारण मैं भौतिकी, रसायन, प्राणी जगत व गणित के नियमों से परिचित था ही। जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान तो मेरी शिक्षा विषय ही थे। मेरे नए अध्ययनों ने मुझे दर्शन, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, पुरा विज्ञान, ललित कलाओं और मनोविज्ञान आदि से भी परिचित कर दिया। मैं धार्मिक मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान में विषय रुचि लेने लगा। इनमें ही मुझे मनुष्य के धार्मिक विश्वासों, ईश्वर और आत्मा का रहस्य छिपा जान पड़ने लगा था। मैं नहीं कहता कि इन विषयों पर मेरा अध्ययन पूर्ण व गहरा था। मैं अपने अध्ययनों के पुष्टवार उद्धरण भी नहीं दे सकता। यद्यपि अध्ययन के समय मैंने नोट्स लिए थे, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि अपने लगभग 6 वर्ष की इस अध्ययन काल में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा। बाद का अध्ययन फिर सरसरी तौर पर ही रहा। मैं पाता हूँ कि मेरे इन अध्ययनों ने मुझे दूसरों की बातों का मात्र पिछलग्गू बनने से अलग स्वयं ही स्वतंत्र विचार करने व अपना मार्ग स्वयं ही चुनने में बड़ी मदद की। मैं किसी दूसरे के विचारों का ना तो पिछलग्गू बना और ना ही महज किताबी कीड़ा। महज किताबी कीड़ा बनने से स्वचिंतन कुंठित हो जाता है और व्यक्ति किताबों का गुलाम बन जाता है। इसके विपरीत स्वचिंतन व मनन ने केवल स्वतंत्रता बनाए रखता है, वरन विचारों के लिए स्वयं की जिम्मेदारी को भी बढ़ाता है। अपने अध्ययनों व चिंतन मनने के द्वारा मैंने ईश्वर के विचार को हिंदू, इस्लाम, ईसाइत या किसी भी अन्य धर्म से निरपेक्ष रूप में धारित किया। मैं इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि वह आदमी स्वयं ही है जिसने प्राचीन युग में अपने मनोवैज्ञानिक जरूरतों के कारण ईश्वर के विचार या ईश्वर को जन्म दिया होगा। ईश्वर के अतीन्द्रिय, अधिभौतिक, आध्यात्मिक या अलौकिक स्वरूपों का निर्धारण बाद के सभ्य समाज के चालाक व चतुर्जनों का काम रहा होगा। जो प्रारंभ में नैतिक आचरण की रक्षा विकसित किया गया होगा और बाद में भोली भाली जनता के शोषण के हथियार के रूप में। अपने अध्ययनों और चिंतन मनन के साथ ही मैं ऐसे अवसरों की तलाश में भी था जहाँ मैं विद्वानों तथा धार्मिक पुरोहितों से उन पर विचार विमर्श भी कर सकूं। एक वर्ष तक कोयम्बतूर में रहने के बाद जब मैं कोलंबो गया था, इस विचार विमर्श की संभावना बढ़ गई। कोलंबो में मैं आनंद कॉलेज में वनस्पति शास्त्र का अध्यापक था। उसका प्रबंधन
बौद्ध थियोसफिकल सोसाइटी के हाथों में था। वहां मैं बौद्ध धर्म के पुरोहितों के संपर्क में आया और उनके वाद विवाद व प्रवचन सुना करता था। मैंने वहां उनकी पुस्तकों भी पढ़ी। वहां एक साल का प्रवास अध्ययन के दृष्टिकोण से मेरे लिए काफ़ी लाभकारी रहा। अगले वर्ष सन 1928 ईस्वी में मैं भारत में काकिनाड़ा के कॉलेज में वनस्पति विज्ञान प्रवक्ता के रूप में आ गया। मछलीपट्टनम में एक हिंदू विद्वान के साथ मेरी एक वार्ता की घटना मुझे अक्सर याद आती है। बात सन 1937 ईस्वी की है। वह हिंदू विद्वान हिंदू दर्शन पर एक प्रवचन श्रृंखला चला रहता था और प्रवचन के बाद नित्य श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देता था। एक शाम शंका प्रश्न के समय मैंने उससे कहा कि वह हिंदू धर्म से ब्रह्मा के लिए नपुंसक लिंग के प्रयोग को सविस्तार समझाइए, क्योंकि अन्य धर्मों में ईश्वर को पुल्लिंग कहा गया है। मुझे हिंदू ग्रंथों की भाषा संस्कृत में शाब्दिक लिंग निर्धारण का ज्ञान था, यथा संस्कृत में श्रीबोधवाली द्वारा पुल्लिंग होती हैं। मेरा प्रश्न एकदम सामान्य था। मैं इस हिंदू विद्वान से यह प्रमाणित करना चाहता था कि हिंदू ईश्वर का विचार मूलतः एक नपुंसक रूप की अवधारणा है। पुल्लिंग ईश्वर की दार्शनिक अवधारणा बाद में उस समय प्रकट हुई जब सभ्यता, राजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था में पुरुष पूरी तरह स्त्री पर हावी हो गया। शायद मैंने जिस रूप में प्रश्न प्रस्तुत किया था उसमें ईश्वर के प्रति वह आदर नहीं दिखाया गया था जो प्रायः ईश्वर का संदर्भ देते हुए उसके प्रति दिखाए जाने की अपेक्षा की जाती है। विद्वान ने मुझसे सीधे प्रश्न किया कि क्या मैं नास्तिक हूँ। मेरा उत्तर हाँ में था। मेरे इस उत्तर का वह कोई महत्व नहीं होना चाहिए था, प्रश्न का उत्तर तो मिलना ही चाहिए था। विद्वान की प्रतिक्रिया एकदम विपरीत थी। उसने कहा कि वह किसी नास्तिक से बात तक नहीं करना चाहता। उसने मुझे सभा छोड़ने को कहा। मैंने निवेदन किया कि सभा सार्वजनिक थी और मैंने निर्धारित समय पर ही प्रश्न पूछा। मैं सभा से क्यों जाऊं? उसने कहा कि मैं सभा से नहीं गया तो वह स्वयं सभा से चला जाएगा। वह मन से उतरा, कुछ कदम चला और मेरी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मेरे बार बार के आग्रह के बाद भी वह सभा में नहीं लौटा। तब मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि सभा मेरी वजह से विद्वान के विचारों से वंचित रहे और मैं सभा से चला गया। कुछ लोगों ने मुझे सही मानकर मेरे साथ ही स्थल का तत्काल बहिष्कार कर दिया। अगले दिन सभा स्थल पर एक नोटिस लगाई गई कि सभा में नास्तिकों की उपस्थिति वर्जित है। मेरा उपरोक्त अनुभव नास्तिकों को विरुद्ध समाज में प्रचलित पूर्वग्रहों के कई अन्य अनुभवों में से मात्र एक है। शब्दकोशों तक में नास्तिक शब्द को दृष्टता से परिभाषित किया गया है। स्वयं गांधी जी ने मुझे सलाह दी कि मैं नास्तिक के अलावा कोई दूसरा विशेषणा चुन लूँ। उनका कहना था कि मैं चाहे जितना अच्छा काम कर रहा हूँ पर नास्तिक नाम से मेरा काम असमानित व बदनाम बनकर रह जाता है। इन तमाम चेतावनियों और कठोर अनुभवों के बावजूद मैंने नास्तिक नाम को नहीं छोड़ा। मेरे समझ में केवल नास्तिकतावाद ही मानवीय प्रकरणों में स्थायी व मूलभूत परिवर्तनों का वाहक बन सकता है। जो परिवर्तनों से डरते हैं वही जानबूझकर सप्रयास नास्तिकता की बुराई इसलिए करते हैं कि उसका विकास रोका जा सके। हर कोई जिसे बाद की संततियों ने देवदूत कहकर पुकारा अपने समकालीनों द्वारा धर्म विरोधी, धर्म भ्रष्टक व नास्तिक कहकर घोर प्रताड़ना का शिकार बनाया गया। मूसा, ईसा, मोहम्मद, जोन ऑफ आर्क व गांधी इस प्रताड़ना के प्रत्यक्ष उदाहरण है। स्पष्टतः नास्तिकता एक प्रगतिवादी शक्ति है। नास्तिकों को निहित स्वार्थियों द्वारा की जाने वाली पूर्वग्रही निंदा व प्रताड़ना से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। सरस्वती से सन 1922 में जब मेरा विवाह हुआ था वे मात्र 10 वर्ष की थी। मेरी ही तरह वे भी एक रूढ़िवादी परिवार की थी और रूढ़िवादी परिवारों में कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने से पूर्व होने का प्रचलन था। कट्टर रूढ़िवादी तो कन्या के विवाह के लिए 8 वर्ष की आयु ही
सीमा निर्धारित करता था। मेरी बड़ी बहन की शादी 8 वर्ष की आयु में हुई थी। सन 1935 ईस्वी के बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम से पूर्व स्त्रियों का भविष्य बाल विवाह के कारण प्रायः विनष्ट ही हो जाता था कि कभी तो उन्हें बाल्यावस्था में ही गर्भधारणा झेलना पड़ता था तो कभी बाल्यावस्था में ही विधवा भी हो जाती थी और विधवा विवाह का कोई प्रचल नहीं था। नए अधिनियमों ने बाल विवाह पर रोक लगा दी। प्रचलन के अनुसार सरस्वती ने विवाह के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया और वे वह सब धार्मिक संस्कार करने लगी जो एक विवाहिता के लिए निर्धारित होते हैं। धार्मिक संस्कार विवाहित कन्याओं के लिए सुखद वैवाहिक जीवन का पासपोर्ट माने जाते हैं। सरस्वती मेरे साथ रहने के लिए सन 1926 में कोयंबतूर में आई। उनकी शिक्षा तो अल्प थी पर उनकी समझदारी और सामान्य बुद्धि तीक्ष्ण थी। हम आपस में ना कुछ गुप्त रखते थे और ना ही कुछ एकदम निजी। हम आपस में खुलकर रहते और हर विषय में आपसी समझदारी से काम लेते थे। मेरे साथ आने पर सरस्वती ने रूढ़िवादी आत्म एकदम त्याग दी और अनीश्वरवादी दृष्टिकोण ग्रहण कर लिया। कोलंबो में वे पहली बार गर्भवती हुई जब वे 4 माह के गर्भ से थी। दोपहर के बाद सूर्य ग्रहण पड़ा। हिंदू रूढ़िवादी गर्भवती स्त्रियों के लिए इस ग्रहण के समय चुप रहने व अंधेरे स्थान पर पड़े रहने की हिदायत देता है। हिदायतों न मानने वालों को गर्भस्थ शिशु के विकलांग जन्म लेने का भय दिखाया जाता है। लेकिन सरस्वती ने देखा कि कोलंबो में बहुत मूर व बर्बस्त्रियाँ सूर्य ग्रहण की कोई परवाह किए बिना सड़कों पर उन्मुक्त घूम रही थी। निश्चय ही इन महिलाओं में कुछ न कुछ तो अवश्य ही गर्भवती होंगी। यदि ग्रहण का भय वास्तविक है तो उसे इन स्त्रियों को भी प्रभावित करना चाहिए। फिर यह भय केवल हिंदू धर्म की स्त्रियों को ही क्यों? हिंदू धर्मेतर स्त्रियों के गर्भस्थ शिशु इस ग्रहण से प्रभावित क्यों नहीं होते? अतः यह भय हिंदू धर्म वालों का अंधविश्वास भर है। इसी प्रकार सोचते हुए सरस्वती ने ग्रहण प्रतिबंध का उल्लंघन किया। पूरे समय बाद सरस्वती को स्वस्थ व सर्वांगपूर्ण शिशु लाभ हुआ। इस अनुभव ने सरस्वती को इतना दृढ़ बनाया कि फिर वे दूसरी स्त्रियों को भी अंधविश्वासों के विरुद्ध समझाने लगी। हमारे कुल 9 संतान हुई। सूर्य व चंद्र ग्रहण दोनों ही इन गर्भावस्थाओं के दौरान गुजरे। सरस्वती ने वज्जना का उल्लंघन किया पर सभी शिशु स्वस्थ ही जन्मे। नास्तिकता की दिशा में आगे बढ़ने में सरस्वती के सहयोग ने मुझे बहुत बल दिया। इस दिशा में हमारा पहला कदम अंधविश्वासों के विरुद्ध काम करने का था। बाद में जब हमने नास्तिकता के आर्थिक व राजनीतिक कार्यक्रम हाथ में लिए तो सरस्वती ने अवसरानुकूल श्रेष्ठता प्रदर्शित की थी और इस क्रम में बार बार जेल जाने के कष्ट भी भोगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल पॉजिटिव एथिज्म एंड एक्टिवेट द बेल आइकॉन।